आज हम बनाएंगे सोया पकौड़ा। तो चलिए फिर पकौड़ा बनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पतीले में सोया को 2 मिनट तक बॉईल कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से धो के दो पानी और इसका पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे और मिक्सी जार में इसको हम पीस लेंगे। तो देखिए हमने इसे बिल्कुल बारीक पीस लिया है। अब इसको हम मिक्सी बाउल में निकाल लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 आलू ले लिए हैं इसके छिलके उतार के। अब इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे ग्रेट कर लिया है। और अब चलिए इसको अच्छे से धो के हम पीसे हुए सोयाबीन में इसको हम ले लेते हैं। और इसमें हमने देखिए फ्रेंड्स 2 से 3 चम्मच सूजी मिलाया है। और ये धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और ये होगी थोड़ी सी हींग। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने फ्रेंड्स इसमें लहसुन नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। और इसमें हमने एक बारीक कटी हुई प्याज डाल लिया है, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस प्रकार हथेली पे थोड़ा सा तेल लगा के हम डो का रोल बनाएंगे। तो देखिए हमने सभी रोल बना लिए हैं। अब हम लेंगे एक मिक्सी बाउल में थोड़ा सा बेसन और फूड कलर, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम इस तरह से घोल बना लेंगे। और इसी घोल में हम पकौड़े को इस तरह से लपेट के फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने तेल पहले से गरम कर लिया है। अब इसको हम एक एक पकौड़े डाल के इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पकौड़े हमने फ्राई कर लिए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब ये तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। आप इसे टमाटो सॉस या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगा। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में।